तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग लगातार मेरिट लिस्ट कब आ रही है, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आ रही है, मेडिकल कब होगा, मेरिट कब आ रही है, ऐसे लगातार कमेंट कर रहे थे। तो मैं वैसे वीडियो बनाने के मूड में था नहीं, मैं सोचा जब आएगी मेरिट लिस्ट तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। बट आप लोग इतना कमेंट करो, आप लोग इतने जानने के लिए एक्साइटेड हो कि कब तक आ सकती है, तो मैंने सोचा कि भाई बता ही दूं कि भाई मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अब तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है। दिन भर में मैं भी 20-25-30 बार डेली चेक करता हूँ, ठीक है, कब आ जाए मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। कब तक आएगी वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, कब तक आ सकती है इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो अब तक तो आ जाना चाहिए था, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखिए, ज़्यादा दिन बीत गया, क्योंकि क्वालिफाइड लिस्ट भी आ चुकी है, तो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो रही होगी, ठीक है ना। कभी भी आ सकती है, आज कल परसों, हो सकता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ आज अभी के 2 मिनट बाद मतलब मेरिट लिस्ट आ जाए। तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी, आपको जब आप मान लीजिए ये वीडियो देख रहे हो, तभी मान लीजिए अगर मेरिट लिस्ट अगर आ चुकी होगी तो आपको अपनी स्क्रीन के राइट साइड के सबसे ऊपर कॉर्नर में आई बटन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो कि मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा मेरिट लिस्ट के बाद। आप इस वीडियो को देखते ही उसको क्लिक कर देना। बट बहरहाल अभी के लिए तो मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एक हफ्ते के अंदर तो 100% गारंटी है कि मेरिट लिस्ट जरूर आएगी, ठीक है ना, उसमें आप बिल्कुल निसंदेह रहिए, ठीक है। 28 या 30 तारीख होते होते तो मेरिट लिस्ट आ ही जानी चाहिए, ठीक है ना, जहाँ तक कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। देखिए, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। मैं भी ये चाह रहा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, ठीक है ना, बट आप लोग की चूंकि इतनी एक्साइटमेंट लेवल है कि मैं सोच रहा हूँ एक अनाउंस कर दूँ। मैंने सोचा कि एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि हाँ भाई, इस तारीख तक आ ही सकती है मेरिट लिस्ट। तो 28 से 30 तारीख तक वो गारंटी आ जानी चाहिए। बट अगर आ जाती है, मान लीजिए अभी ये वीडियो बन रही है, थोड़ी देर में आ जाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट साइड में कॉर्नर पे आपको आई बटन पे तुरंत मैं लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से क्लिक करके तुरंत देख लेना, ठीक है। मेरिट लिस्ट कहाँ आएगी ये आप सभी को पता होना चाहिए। वो मेरिट लिस्ट आती है आपकी तुरंत, जैसे मेरिट लिस्ट आएगी वो सबसे पहले आती है NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। वहाँ से जाके आप कंटिन्यूअसली चेक भी करते रहना। जैसे क्या होगा कि मान लो मेरिट लिस्ट आए तो आपको ही पहले पता चल जाए, ठीक है। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट सबसे पहले देखने के लिए भाई देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके भाई ने रिजल्ट पे सबसे पहले वीडियो लाई, पहले वाले आंसर की पे सबसे पहले वीडियो लाई, दूसरे वाले आंसर की पे सबसे वीडियो लाई, सबसे पहले क्वालिफाइड लिस्ट पे सबसे पहले वीडियो लाई। और फिर गारंटी दे रहा हूँ कि जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट भी आएगी, आपका भाई सबसे पहले वीडियो ला देगा, दोबारा सबसे पहले वीडियो ला देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, नीचे आपको सब्सक्राइबर वाला बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो। अभी लाल हो रहा होगा, अभी जैसे दबाओगे ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे बगल में घंटी होगा, घंटी को भी दबा दो, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसके बारे में निश्चिंत रहिए कि जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है, आपका भाई वीडियो बनाएगा। और जहाँ तक बात है मेडिकल की, तो मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगी उसके 15 से 20 दिन के अंदर मेडिकल भी हो जाएगा, यानी कि हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि 15-20 अप्रैल तक मेडिकल भी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ईच एंड एवरी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी, लगातार। अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे क्वेरी हो तो सीधा डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आइए और पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।